कैब से उतर गए और अभी वेन्यू वेन्यू दिख तो रहा था वहाँ पे, अभी गेट्स अलग अलग हो गए, देखना पड़ेगा कौन से गेट पे जाना है हम लोग को। और जाते हैं, 12 बजे का टाइम था, ऑलमोस्ट 11:45 हो रहा है। और अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट तो नहीं किया हम लोग ने कुछ भी, बट एक कॉफ़ी की ज़रूरत है अभी, वरना ऐसा वहाँ बैठे बैठे थोड़ी नींद आ जाएगी। कितना मस्त लग रहा है ऐसा वॉकवे, तो हम लोग को जहाँ से कैब ने छोड़ी है वहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर मतलब 500 मीटर ऐसा और 500 मीटर ऐसा करके जाना पड़ रहा है, क्योंकि बैरिकेडिंग किया हुआ है। तो अभी हम लोग चल रहे। इससे पहले मैंने बोला था कॉफ़ी की ज़रूरत थी, अब नहीं ज़रूरत है कॉफ़ी की, अब इतना चल लिए। और हम लोग ऐसे भी चल के आए हैं, अभी अभी अंदर आके पीनी तो पड़ेगी, ऐसे तो हो नहीं है, बट अभी हाँ थोड़ा वार्म अप हो गया है। और जितने लोग हैं, जितने लोग भी दिख रहे हैं, वो स्पोर्ट्स कैजुअल में मतलब ऐसे शॉर्ट्स पहने, उसके ऊपर टी शर्ट पहने, मस्त एकदम कम्फर्टेबल, एकदम रिलैक्सड है। अभी हम लोग ने मतलब मैंने जितना भी टेनिस देखा है उसमें भी आते हैं टी शर्ट और शॉर्ट्स में, बट थोड़ा ऐसा सूट में एलिगेंट शर्ट ऐसा पहन के ऐसा आते हैं, तो अब पता नहीं था अपने को, अब उन भी आ गए वैसा बन के एकदम, और अपने को फ़ोटोज़ भी लेने थे, तो ऐसे था कि अच्छे ही दिखते एकदम, मतलब एकदम कैजुअल नहीं जाना था। अभी टिकट स्कैन करके अंदर जा रहे हैं हम लोग को, एक और एक डर था कि पता नहीं अगर ये गेट पर नहीं होता तो, बट हो गया ये गेट पर, अभी हम लोग चल रहे हैं। आई थिंक ये स्टेडियम के अंदर अलग अलग वेन्यूज है थोड़े, मतलब ऐसा दो तीन अलग अलग चीज़ें हो रही होगी। मैं तो खुश था कि अभी अंदर आ गई, ये तो एक और एक बड़ा वो हो गया, पाड़ा आ गई चेक पॉइंट, बट अपने पास कुछ भी नहीं है। इसके पास एक छोटा सा बैग है, मैं तो बैग ही नहीं लाया क्योंकि उस पर लिखा हुआ था बिग बैग नॉट अलाउड। हम लोग कोर्ट फिलिप पे जा रहे हैं, वहाँ पर होगा टेनिस मैच, तो अभी जब तक पॉइंट ब्रेक नहीं होता मतलब मैं रुकता नहीं है तब तक हम लोग जा नहीं सकते अंदर। अभी तक मैच चल रही है, सारा लीड में है एंड काफ़ी गर्म भी हो रहा है अभी, क्योंकि बहुत धूप है और सन एकदम ऊपर है सर के। और मेन प्रॉब्लम ये है कि हमको बहुत शांति में रहना पड़ता है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग बात कर सकते हैं, इसके अंदर जहाँ पे थे ना, जहाँ पे मैच चल रहा था, वो अपने क्रिकेट या दूसरे मैचेस के जैसा नहीं होता है, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है, मतलब एक एक जन थे तो बहुत कंपोज्ड और एकदम कामली खेलते उन लोग, तो हम भी आवाज़ नहीं, आवाज़ तो छोड़ो हिल भी नहीं सकते, ऐसा वो डिस्ट्रैक्ट होता है ना पेरिफेरल विजन में। हम लोग बाहर आए थोड़ा रिफ्रेशमेंट्स लेने और खाने पीने थोड़ा, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, एंड वी गॉट टू नो कि रफेल नडाल इज़ प्लेइंग, तो हम लोग नेक्स्ट मैच में आएंगे फिर से, जब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं और कुछ खा लेते जब तक, क्योंकि ये बहुत लंबा गेम है, क्योंकि 10 पॉइंट्स का एक गेम होता है, फिर 10 पॉइंट्स का एक अलग गेम होता है, फिर 10 पॉइंट्स का, तो ऐसा टोटल बेस्ट ऑफ 3 होता है, अभी तक बेस्ट ऑफ 2 ही चल रहा था, कुछ खा लेते हैं। इतनी धूप थी, इतनी मेरी आंखों में पड़ रही है, मैंने लेंसेस पहने हैं, तो यू नो जो लेंस पहने, देखो अ मैन इज नेवर सेटिस्फाइड। कल हम लोग धूप के लिए प्रे कर रहे थे कि बारिश बंद हो जा, धूप आ जा, आज ऐसा था थोड़ा ग्लूमी रहता तो आज अच्छा होता। मेरी गलती है कि मैंने ग्लासेस या हैट या कुछ नहीं पहना, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं बट थोड़ा मेरी आईज के लिए चाहिए, मेरी आईज में लेंसेस पहने हैं तो ऐसा लग रहा है पिघल रही है लेंसेस मेरी आंखों में। कोलंबिया की टीम क्या खुश है यार, मजा आ रही सबको देख के, सब अपनी अपनी टीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मस्त। ये अपना इंडिया का फ्लैग एक प्यारा सा खड़ा है वहाँ पे। तो अभी हम लोग ने खाना मतलब मैंने लेके आया वहाँ पे, बहुत लंबी लाइन थी, वहाँ व्लॉग भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं कैमरा नहीं लेके गया था। थोड़ा चॉकलेट क्रोसॉ, चिप्स लिया हो और मफिन है, चॉकलेट मफिन, फिर फ्रूट्स है और नकमा जितने भी वही है, मतलब ये राइस बोल है, वेजिटेबल और राइस, तो यही सब था ऑप्शन में। और मतलब चिकन में था, चिकन चीज़ वो सब था, बट फिर हलाल नहीं था तो हम लोग नहीं ले रहे थे, और दूसरी हैम और दूसरी चीज़ें थी, तो यही ऑप्शन था सेफेस्ट,
फलाफल रैप भी था बट आउट ऑफ स्टॉक था वो सब जगह से, मतलब किचन से भी नहीं आ पा रहा था इतना लोगों ने लेके भाग गए थे। तो अभी हम लोग का खाना भी हो गया है एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स आर गेट जहाँ पे नडाल खेल रहा है, तो जाते हैं देखते हैं। और अभी तो पता है हमारी सीट्स कहाँ हैं तो हम लोग पहुँच जाएंगे फटफट। तो गाइस अभी हम लोग राफेल नडाल और हंगरी का प्लेयर है एंड नडाल को भाई स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है। ये देखो ये सब तालियां उसके लिए बज रही है। हम लोग कैब में बैठ चुके हैं, काफ़ी धूप पड़ गई थी, काफ़ी बॉडी ड्रेन हो गई थी क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली अपने वैसे कपड़े में नहीं है कि धूप एकदम कड़क धूप में बैठे थे हम लोग। और हम लोग इसका भी दिखा नहीं सकते, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वही घूम फिर के वही हो रहा है अभी भी। तो अभी एक बार घर जाते हैं, कपड़े चेंज करके हम लोग कहीं और जाने वाले, तो वो दिखाएंगे आप लोगों को, वो दिखा सकते हम लोग। मैं चक्कर खाए सर, तो चक्कर से गोल गोल घूम रहा है अभी घर जाके थोड़ा अच्छे से। क्या हो गया, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ठीक है भाई, जो अच्छा लग रहा है ना अंदर आके। अभी कपड़े उतार के थोड़ा 5-10 मिनट ऐसा आप बंद करनी पड़ेगी। तो अभी तालीम आ चुका है, तालीम कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग को? तो अभी हम लोग ने कपड़े भी चेंज कर लिए और गर्मी में हाँ जब सूट पहने थे ना गर्म हो रहा था, अभी थोड़ा और सनडाउन होएगा तो और बेटर होएगा। मोमार्ट में बहुत पब्लिक है, तालीम बोल रहा है अभी पेरिस में चोरी कम होगी बट मुझे लगता है ज़्यादा चोरी होगी। अभी तो इतने टूरिस्ट आए हैं तो इतने सारे लोग बाहर से भी आ रहे हैं चोरी करने के लिए। वाह क्या मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से, पूरा पेरिस दिख रहा है, मतलब कितने लाखों करोड़ों लोग रह गए जो हो गए यहाँ पे, मतलब ये फ्रेम के अंदर। तो ये चर्च है, बहुत ही प्यारा है, बहुत बड़ा है और एकदम पहाड़ के ऊपर है। बुदापेस्ट की तरह दिख रहा है ना? मैं नहीं गया यार बुदापेस्ट। कोशिश करो बा। ऊपर है, बहुत ऊपर है, मतलब देख ये ऊपर आ सकता था, देख मैं तो आ सकता था, तू नहीं आ सकता था। वाह। तो अभी हम लोग इसे पहाड़ों की तरफ से नीचे जा रहे हैं, तालीम ने अच्छी की चीज ये किया ऊपर लेके आएगा कैब में, अभी हम लोग नीचे चलते चलते जा रहे हैं। हाँ वरना क्या ऐसा इतना ऊपर ऊपर भी चढ़ना पड़ता और नीचे भी जाना पड़ता। एंड ये एक पानी की बोतल है, उड़े 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 ये पानी की बोतल है, इसका नाम क्या है? क्रिस्टालिन। और दूसरा एवियन आता है, लोगों को लगता है ऐसा पानी का टेस्ट नहीं होता बट होता है, ये अपने मुंबई जैसा पानी टेस्ट कर रहा है, वो थोड़ा आर्टिफिशियल टेस्ट करता है बट ये अच्छा पानी है, मेरे को मजा आ गई। पानी में नमक है इसमें? हाँ एल्कलाइन वाटर है। तो ये ऐसे सीढ़ियाँ देख के मेरे को जॉन विक याद आ गया, अगर आप लोगों ने जॉन विक की लेटेस्ट मूवी नहीं देखी तो ऐसा स्टेयर से रोल हो के होते थे गिरता रहता है। कोई तो थाई रेस्टोरेंट में लेके आए लुमिर पता नहीं कुछ तो नाम है, दालिम बोला अच्छा मिलता है यहाँ पे, तो दालिम ने लेके आ गया यहाँ पे हम लोग को। खाना इज हियर, खाना वाओ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वाओ
तो अच्छा है और इसको स्पाइसी बोले हम लोग ने बनाने, दालिम ने बोला, दालिम के फ्रेंड का है तो मस्त एकदम तीखा तीखा, बहुत दिन बाद तीखा खाने मिल रहा है सर, वरना थोड़ा ऐसा रोज बर्गर पिज्जा सभी खा रहे थे। तो अभी हम लोग दालिम को साइकिलिंग करा रहे हैं। तू किया क्या कभी पेरिस में? नहीं, नहीं किया। लाइम फर्स्ट टाइम है मेरा। मैं तो लाइम बहुत चलाई पेरिस में। हां वो वाली लेकिन स्कूटर। ए बे चलना, चलते चलते रुक मत। राइट जा, राइट जा, राइट। तो अभी हम लोग साइकिल चला रहे हैं मस्त, और ये बहुत फास्ट भाग रही है साइकिल, इतनी फास्ट भाग रही है, अपने आप जा रही है। बट मैं एक हाथ से ज्यादा व्लॉग नहीं कर सकता वरना गिर जाएंगे हम लोग। तो अभी अपनी साइकिल राइड चल रही है, हम लोग 4 किलोमीटर साइकिलिंग करके जा रहे हैं, तो मजा आने वाला है। और यहाँ पे साइकिल की एक डेडिकेटेड लेन होती है तो कोई टेंशन नहीं होता, सब चला सकते अच्छे से। गाइस मैं मतलब मेरे को साइकिल चलाने का बहुत शौक है, आप लोग को एलए में या पता नहीं आपको सब जगह दिखता होगा, चंडीगढ़ में भी मैं साइकिल वाइकिल चलाता हूँ। मेट्रो, हाँ सिटी में टू व्हीलर्स पे घूमने का मज़ा ही अलग होता है। मैं तो मतलब मज़ा आ रही है, मज़ा आ रही है। दालिम का फुल एग्जॉस्ट हो गया है। हाँ दिखा है। गर्मी है लेकिन। अरे बाप रे। चल तो अभी हम लोग हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं साइकिल चलाते चलाते। तो निंजा पार्क कर दिया अभी हम लोग ने इधर, तेरी निंजा भी लगा दिया तूने, नगमा जी ने भी निंजा लगा दी। अभी हम लोग मौला रूम आ गए हैं, यहाँ पे सब विंडमिल सब बना हुआ है। तालीम बोल रहा है फोन बचा के। मैंने बोला जल्दी आ जल्दी आ, ये बोल रही है मेरा कुछ तोड़ आएगी। छोटा सा रहता है, हवा भर रही है अंदर, पसीना पूरा ब्लैक पहना तो दिख नहीं रहा है। सुदर्शन, सुदर्शन तो खुश हो गया था क्योंकि बोल रहा है मैं मोटा दिख रहा हूँ। मैं अभी हवा में उड़ रहा हूँ, मेरे पावर्स से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। प्लीज बहुत पका रहा है। बाय गाइस। बाय क्यों? तालिम आ ना, हवा कितनी ले रहा है, इसका चड्डा उड़ जाएगा। किसमें क्या है? अरे मैं तालिम बन गया। देख तेरे को रोस्ट कर रहा है। सेम 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 लग रहा है। तो दूध खा गया है? दूध खाया है, दूध खाया है, पिया भी है। तो दूध ही पीते ही खाते नहीं है वो? खाया ना हमने। हाँ फ्रूट। अबे तू रील क्यों बना रहा है? तू तो अभी हम लोग ने बहुत सारी फोटोज ले लिया यहाँ पे मौला रूस। मौला रूस के बाद तेरे नए जूते क्या? चलो तालिम बॉयज टेकिंग अ लीव यहीं से। थोड़ा थोड़ा सब मतलब पेरिस भी बंद था और थोड़ा बिजी था, तो अभी अपन नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा इंशाल्लाह, तो अपन अच्छे से घूमेंगे। सुल्तान भी आएगा, नवीन भी आएगा, सब आएगा, सब सब सबको लेके जाएगा। मेरे को लगता है उससे पहले दालिम आ जाएगा मुंबई। हम लोग क्या है, मैं तो 4 साल से आ ही रहा हूँ, अभी पहली टाइम आया मैं। तो अभी हम लोग अपने एयरबीएनबी मतलब घर आ चुके हैं, और बस यही था पेरिस के लिए, इतना सब कुछ ही था। बहुत सारा हैसल था थोड़ा, मतलब आधी चीज़ें दिखा नहीं पाए क्योंकि
अरे वैसे नहीं, मतलब जो ओलंपिक इवेंट्स और वो सब चीज़ें थी वह आधी चीज़ें दिखा नहीं पाया क्योंकि मतलब लीगली और एथिकली ये सब जो भी था मतलब हम लोग को परमिशन नहीं थी वो सब दिखाने की। ठीक है, मतलब वैलिड है, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट हाँ, और आधी चीज़ें बंद भी थी, बंद मतलब रिस्ट्रिक्टेड थी। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अच्छा है ना। मतलब पेरिस, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जो भी जगह से जाओ तो कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती है तो अच्छा होता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आने की एक्साइटमेंट होती है, मज़ा आती है कि लास्ट टाइम ये नहीं हुआ था तो ये टाइम करेंगे, ऐसा वाला रहता है। और दालिम भी बिजी था थोड़ा और ट्रैफिक थी बहुत पूरे पेरिस में, तो गाड़ी में घूमना इम्पॉसिबल। तो ठीक है, यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं क्योंकि वापस जाने का मेरे को पता नहीं, वो एनर्जी नहीं रहती वापस जाने और बहुत सैड रहता हूँ मैं, तो वो एनर्जी मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता। तो यहीं पे एंड करते हैं, अभी पैक करना है मस्त अच्छे से फटफट। हम लोग ने दोनों ने एक एक बैग खाली लेके आया था और शॉपिंग के कपड़े सब डालने के लिए काम आएगा। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं कोई अलग जगह पर, पता नहीं कहाँ, मुंबई में या कहीं और, पता नहीं, अभी तक नहीं पता अपन कहाँ मिलेंगे, बट मिलेंगे ज़रूर।